फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सच बता रही हूँ, मैं तो इंतज़ार कर कर के थक गई हूँ कि केविस का रिजल्ट आ जाए ताकि हम अपनी आगे की तैयारी कर पाए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 60 दिन से पहले रिजल्ट आने वाला है, मतलब 28 फरवरी को हमारा जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। तो इसके 60 दिन मतलब या तो अप्रैल एंड तक आएगा या हमें मिड में देखने को मिल सकता है, उससे पहले तो आने से रहा है। तो अब मैंने सोचा है कि हम आगे की प्लानिंग कर लेते हैं। ये रिज़ल्ट तो पता नहीं कब तक आएगा। इंटरव्यू की तैयारी मतलब उतने अच्छे से हो नहीं पा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं दोनों चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एक तरफ माइंड में रहता है कि होगा या नहीं होगा, दूसरी तरफ ये भी माइंड में हो रहा है कि इंटरव्यू के लिए तैयारी करूँ या ना करूँ। और तैयारी थोड़ी बहुत करती भी हूँ तो उसमें भी अपना 100% नहीं दे पा रही। तो आज मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं प्री प्लेसमेंट की तैयारी अच्छे से शुरू कर देती हूँ, ताकि ये ना हो कि अगर मान लीजिए केवीएस के रिजल्ट में मैं सेलेक्ट नहीं होती हूँ, तो एटलीस्ट मैं डी प्लेसमेंट की तैयारी करूँ जिससे कि मेरा सिलेक्शन वहाँ तो हो जाए। और वहाँ आप सभी जानते हैं इंटरव्यू वाला कोई पंगा नहीं है, तो वहाँ पर मैं 100% देना शुरू करती हूँ। कुछ लोगों के डाउट रहते हैं नीट प्लेसमेंट को लेकर कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं पीआरटी के लिए 30 है। हाँ, कुछ टाइम के लिए उस क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया था जब कोरोना वाला टाइम पीरियड था, लेकिन अभी 30 है। तो अगर आपकी एज 30 है तो प्लीज़ उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। अच्छी जॉब है एंड कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। नीट प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छी जॉब है और पे स्केल तो हम सभी जानते हैं उसका अच्छा है। साथ ही साथ इस लोगों को ये भी डाउट है क्या बीएड वाले पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ एलिजिबल है, मतलब कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हम एलिजिबल नहीं है। केवीएस में तभी पंगा चल रहा है कि हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, बट मैं आपको एक बार बता दूँ, अगर एक बार ज्वाइनिंग हो जाती है ना तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एलिजिबल है या नहीं है। तो बस शुक्र मनाइए कि जल्दी से केवीएस का रिजल्ट आए और इंटरव्यू वगैरह हो जाए एंड फाइनली हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। उसके बाद क्या फैसला रहेगा कोर्ट का, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे पर ज्वाइनिंग हो गई तो पीआरटी वाले एलिजिबल हैं या नहीं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर डी ट्रिपल में हम एलिजिबल हैं, इसकी श्योरिटी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए वहाँ पर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। और मैं आपको बता दूँ, जैसे बीकॉम ऑनर्स वालों को बड़ा डाउट रहता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो बीकॉम ऑनर्स वाले होते हैं वो कहीं पर भी एलिजिबल नहीं हो पाते टीजीटी की पोस्ट के लिए, चाहे वो एनबीएस हो, चाहे वो केवी हो या फिर कोई भी अदर स्कूल हो, हम कहीं भी एलिजिबल नहीं हो पाते। इवन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पर भी हम एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है डी प्लेसमेंट में कि यहाँ पर हम एलिजिबल हैं। जैसे कि मैंने बताया था पिछली बार मेरा 8 नंबर से रह गया था और यहाँ पर मैं एलिजिबल थी, तो मैंने अप्लाई कर दिया था। मैंने पीआरटी की तैयारी नहीं की थी उस वक्त, क्योंकि मुझे लगा कि जब मैंने इतनी अच्छी एजुकेशन है, मतलब मैं और हाई लेवल को पढ़ा सकती हूँ, तो क्यों ना मैं उसको पढ़ाऊँ। इसलिए मैंने उस टाइम पर भी टीजीटी के लिए किया था और प्रेगनेंसी इश्यूज़ भी थे, मैंने आपको बताया था, तो मैं दोनों पर फोकस तो नहीं कर सकती थी। और अब जब मैं फोकस कर सकती हूँ दोनों चीज़ों पर, तो अभी मेरे पास बेबी है, तो इसलिए मैं सोचूँ कि इस पर मैं टीजीटी के लिए ही तैयारी करती हूँ। क्योंकि देखिए पीआरटी में तो कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, मतलब हद से ज़्यादा। जैसे कि आप सभी जान सकते हैं, अभी केवी में ही देख लीजिए, मतलब 8 लाख बच्चे थे फॉर पीआरटी और 2 लाख बच्चे थे टीजीटी के लिए। आप तो सोच लीजिए कॉम्पिटिशन कितना कम हो जाता है। तो डीटीप्लस में भी इसका असर पड़ेगा। और डीटीप्लस में एक और फ़ायदा रहता है कि हर कोई वहाँ अप्लाई नहीं करता, क्योंकि हर कोई दिल्ली शिफ्ट नहीं होना चाहता है। ज़्यादातर लोग वही अप्लाई करते हैं जो तो दिल्ली में रहते हैं या फिर एनसीआर रीजन में रहते हैं, उनका कोई रिलेटिव वहाँ पे रहता है, वही लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा कंपटीशन भी कम हो जाता है। हालांकि डीटीप्लेसमेंट का एग्ज़ाम सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है टीचिंग के लिए इंडिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। बट आप पॉजिटिव पॉइंट देखिए, वहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो डीटीप्लेसमेंट की तैयारी करना सच में बहुत बड़ी समझदारी है, जिनके थोड़े से कम मार्क्स हैं जैसे कि मेरे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाउट में हूँ। लेकिन जिसके 130% वो इंटरव्यू में इस वक्त अपनी जी जान लगा दे, क्योंकि डीटीप्लेसमेंट का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, बहुत जल्द आने वाला है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप अपनी तैयारी शुरू करना। उससे पहले अगर आपके केवीएस में अच्छे मार्क्स हैं तो आप सिर्फ प्रिपरेशन कीजिए अपने इंटरव्यू की, मतलब इस तरीके से करिए, ये सोच के चलिए कि आपको 60 में से 60 लाने, तब कहीं जाकर आप 50-55 ला पाएंगे और तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो मैं तो सच बता रही हूँ, मैं अभी कन्फ्यूजन में थी, मतलब मैं सोच रही थी, मैं थोड़ा सा भी इंटरव्यू प्रिपरेशन करने बैठती हूँ ना तो दिमाग मेरा सेकंड थॉट यही रहता है, अगर नहीं हुआ तो कहीं मैं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो इस वजह से ना मैं दो तरफ अटकी पड़ी हूँ। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अभी इंटरव्यू की साइड में रखती हूँ और डी डी प्लस बी की तैयारी को थोड़ा अच्छे से शुरू करती हूँ। एंड सेकेंडली ये कि अब मेरे को हैदराबाद जाना ही जाना है, फाइनल हो गया है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि रिजल्ट आएगा, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, मैं नहीं रुक रही हूँ। पर अगर इनकेस रिजल्ट आ जाता है तो मैं वापस अपने घर आ जाऊँगी, अगर सेलेक्ट हो गई तो। होपफुली उम्मीद यही करती हूँ कि सेलेक्ट हो जाऊँ, तो तब अपनी इंटरव्यू की तैयारी, मतलब फिर तो ये सोचा है कि
मतलब कि 17-18 घंटे फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूँगी, डेमो की प्रिपरेशन करूँगी, तब अपना पूरा बेस्ट दे दूँगी उस टाइम पर। लेकिन अभी सच बता रही हूँ, मतलब होता है ना, जब आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो ना, आप तो उसके अंदर आप लगे रहो ना, पर अपना बेस्ट नहीं दे पाते। तो भी मेरे साथ भी सेम कंडीशन यही हो रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इंटरव्यू की छोड़ती हूँ, DEEW की तैयारी शुरू करती हूँ, लेकिन आज से नहीं। कल तो मुझे पैकिंग करनी है, आज थोड़ा घर का रूम रूम की सफाई करनी, क्योंकि पूरा पैक करके जाना होता है घर मुझे, क्योंकि उसके बाद जब आते हैं तभी हमारा रूम अनलॉक होता है, उससे पहले नहीं होता है। तो वो सफाई करनी है, और उसके बाद कल पूरी पैकिंग करूँगी जाने के लिए, और परसों में निकलना है। अब ट्रेन में पॉसिबल नहीं है कि मैं तैयारी शुरू करूँ, और बेसिकली मेरे पास कोई बुक्स नहीं है। DEEP की बुक्स जितनी भी थी मैं घर छोड़ कर आई थी, क्योंकि KV के सारी बुक्स लेकर आई थी, ट्रैवलिंग में बेबी के साथ नहीं पॉसिबल था कि मैं सारी बुक्स लेके आ पाऊँ। तो घर जाकर भी मतलब 2 दिन मेरे वहाँ पर वेस्ट होने वाले हैं लगभग, क्योंकि पूरा मैं विंटर्स में आ गई थी, तो सारा सामान विंटर्स का ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है। पूरी घर की सफाई करनी है, मतलब हस्बैंड थे तो पता है मुझे किचन की क्या हालत होने वाली है, घर की भी क्या हालत होने वाली है। तो 2 से 2.5 दिन मुझे वही पूरा क्वार्टर अपना सेटल करने में लग जाएगा, उसके बाद मैं अपनी तैयारी शुरू करूंगी और आपको भी अपडेट देती रहूंगी। कोर्स परचेस करने का मैंने अभी कोई भी ख्याल नहीं रखा है कि मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए DEEP के लिए, क्योंकि मेरी पहले से प्रिपरेशन हो चुकी है, तो मैं अपने नोट्स देखूंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मतलब 2 साल से होने वाले हैं लगभग उस बात को। तो मतलब तो फिर मेरे को सोच रही हूँ कि पहले वो नोट्स देखती हूँ, कितने काम के कितने काम के नहीं है, उसके अकॉर्डिंग में देखूंगी कि फिर मुझे कोर्स खरीदना है या नहीं खरीदना है। अगर लगेगा कोर्स खरीदना है तो मैं सोच रही हूँ कि जो सब्जेक्ट वाला है सिर्फ उसी का खरीदूंगी, मतलब मेरा SST है तो मैं सिर्फ SST के लिए ही परचेस करूँगी, जनरल पब्लिक के लिए मैं कोई भी कोर्स परचेस नहीं करने वाली, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रिपेयर कर चुकी हूँ, और मेरे उस वक्त 66 थे, तो इस बार तो मैं 70+ लाने की सोच ही रही हूँ, क्योंकि आइडिया हो गया। पिछली बार क्या क्या था कि मतलब इतनी ज़्यादा घबराहट थी ना, ऊपर से ऑपरेशन हुआ था ना, तो उसमें ये होता है DEEP जो एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे चले जाते हैं तो आप पहला सेक्शन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं बहुत हड़बड़ी में थी कि मेरा पेपर ना छूट जाए, पेपर ना छूट जाए। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस आते भी थे ना, पर उसमें टाइम लगता थोड़ा सॉल्व करने में, तो मैंने छोड़ दिए थे। मैंने कहा नहीं, पेपर छूटना नहीं चाहिए उस चक्कर में, मतलब वरना मेरे शायद उस वक्त भी 70+ आ जाते। तो इस बार मुझे गलती नहीं करनी है, सारा आइडिया हो गया है मुझे, और मतलब इस बार मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने वाली हूँ DEEP के लिए। पर होपफुली अगर KV में हो जाता है तो इट विल बी बेस्ट, क्योंकि बच्चे के साथ यार पढ़ाई करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब मुझे पता है मेरे पास जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, उन सबके बेबीज़ हैं लगभग जितने भी हैं, और उनके लिए भी बस यही है, वो यही सब सोच रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बेबी के साथ पढ़ना सच में वाकई में मुश्किल है, और जो ससुराल में रहते हैं उनके लिए तो हमसे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैंने आपको अपना बता दिया कि मैं क्या करने वाली हूँ। अगर आपके 130+ हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, अगर नहीं है तो आप कुछ और ऑप्शंस देख सकते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।